नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि प्रवासी भारतीयों ने एकता और विविधता की भारतीय भावना को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी के दिन को समर्पित यह दिवस बेहद खास है, क्योंकि इस दिन उन सभी प्रवासी भारतीयों का सम्मान दिया जाता है जो विदेशों में रहकर भारत का मान सम्मान बढ़ाते हैं। अपने आधिकारिक अकाउंट के जरिए एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, प्रवासी भारतीय दिवस की शुभकामनाएं। यह दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों के योगदान और उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है। हमारी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने के प्रति उनका समर्पण सराहनीय है। वह दुनिया भर में भारत की भावना का प्रतीक है, वही एकता और विविधता की भावना को बढ़ावा देते हैं। पीएम मोदी के इस पोस्ट को बड़ी संख्या में लोग लाइक, शेयर और रीट्वीट कर रहे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस का महात्मा गांधी से है। दरअसल 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त अहिंसक आंदोलन के बाद भारत में उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली थी और स्वतंत्रता आंदोलन के बिगुल को फूंका था। महात्मा गांधी के आगमन और स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करने की याद में हर साल इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2002 में की थी। उसी साल पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था।